वो 50 वर्ष की है और मैं 57 का हूं, 60 का नहीं। मेरी जिंदगी में भी तकरीबन 22 साल पहले पीलू आई राजूशी और हम लोगों ने एक बहुत अच्छी दोस्ती बनाई और साथ चले पति पत्नी की तरह। इस दौरान ब्यूटीफुल प्यारा अर्थ हुआ मोगली, बड़ा हुआ, कॉलेज गया, अब नौकरी कर रहा है। लेकिन इस 22 साल की अमेजिंग जर्नी के दौरान हम लोगों ने कुछ 2.5 साल पहले या 2 साल पहले ऐसा पाया कि हम लोग फ्यूचर जैसा देखते हैं, भविष्य, उसमें कुछ फर्क आया है पीलू और मुझ में, कि हम जिस तरह से हम चाहते हैं आगे जीना। तो ये बात जायज है और एकदम साफ है कि हम दोनों ने कोशिश की कि किसी तरीके से उन डिफरेंसेस को हम क्या दूर कर सकते हैं। तो हमने कहा कि हम डिफरेंसेस दूर तो कर सकते हैं, मतलब, पर उसका मतलब ये होगा कि कोई एक दूसरे पर हावी होगा और कहेगा नहीं नहीं ये सब नहीं होगा, या कोई दूसरा कुछ कहेगा नहीं नहीं ये सब नहीं होगा। अंततः हमने को ना ये पाया कि जिस तरह से हमने खुशी से 22 साल बिताए हैं, शायद आगे वाली जिंदगी में ये खुशी हमसे दूर रहे। तो जब हम अलग हुए तब मैंने खुद को, मैं जितना भी जानता हूँ, मैं जानता हूँ कि मैं अकेला नहीं चलना चाहता, मुझे साथी बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने कहा कि चाहे मेरी उम्र तब 55 या 56 की थी, मैंने कहा कि नहीं, मैं उम्मीद नहीं छोड़ूंगा, मैं ढूंढूंगा कि कोई ना कोई कहीं ना कहीं मुझे मिलेगा जिसको मैं अपनी जिंदगी का राहगुजर बना पाऊँ, अपना पार्टनर बना पाऊँ। और इसलिए मैंने यूनिवर्स से कहा कि मैं एक साथी चाहता हूँ। और गत वर्ष मैं किसी से मिला और मैंने जब उनसे बातचीत शुरू की तो मुझे वो कुछ ऐसी लगी कि मुझे लगा कि इनके साथ मैं रहना चाहूँगा। उनका नाम है रूपाली बरुआ। रूपाली से मैं मिला और एक साल से हम लोग चाहे दूर रहते हैं लेकिन हम लोगों ने बातचीत की, मिले भी हम, और मुझे तब लगा कि मैं इनके साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। और क्योंकि मैं बहुत साफ था कि मैं यूं ही कोई रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहता हूँ, मैं शादी करना चाहता हूँ, मैंने उनको पूछा और उन्होंने हाँ कहा और हमने तय किया कि हम शादी करेंगे। वो 50 वर्ष की हैं और मैं 57 का हूँ, 60 का नहीं।